नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने एग्जाम चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लाई हूँ SSC GD की प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट 13 है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? या ऑप्शन ए बीजापुर में, या ऑप्शन बी हैदराबाद में, या ऑप्शन सी दौलताबाद में, या ऑप्शन डी बीदर में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, बीजापुर में स्थित है, गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है, बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा? रोलेक्ट आंदोलन, या ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा। इसकी व्याख्या देखते हैं, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान एक पहल की है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय की, या ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, या ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या ऑप्शन डी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह पर्यटन मंत्रालय की एक है। इसकी व्याख्या देखते हैं, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहां पर हराया था? ऑप्शन ए चौसा के युद्ध में, या ऑप्शन बी हल्दीघाटी के युद्ध में, या ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, या ऑप्शन डी कालीजर का युद्ध। इसका आपको राइट आंसर बता दें, यह पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए डापला की पहाड़ियाँ, या ऑप्शन बी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, या ऑप्शन सी गारो पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी वासी पहाड़ियाँ। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह डापला की पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में स्थित नहीं है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, डापला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित है। पहाड़ी श्रृंखला में ये मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागर का उथला हिस्सा जो वन अंश या उससे भी कम औसत की ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गहरा समुद्री, या ऑप्शन बी महाद्वीपीय ढाल, या ऑप्शन सी महाद्वीपीय ताक, या ऑप्शन डी महासागरीय ग्रत। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, महाद्वीपीय ताक। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीपीय का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिससे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए झेलम नदी, या ऑप्शन बी लूनी नदी, या ऑप्शन सी सोन नदी, या ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह लूनी नदी है, जो धार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं, लूनी उत्तर पश्चिम भारत में या थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। 49 किमी की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ रण में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में हुई किस राज्य से? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, या ऑप्शन बी केरल से,
या ऑप्शन सी गोवा से, या ऑप्शन डी कर्नाटक से। इसका हम आपको राइट आंसर बता देंगे, केरला से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत के केरल राज्य के कालीकट बंगाल पर वहाँ से इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते हैं। साधारण बनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अडप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय की, या ऑप्शन बी पर्यटक मंत्रालय की, या ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, या ऑप्शन डी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की। इसका आपको राइट आंसर बता दीजिए, पर्यटन मंत्रालय की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अडप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर हुई। इसका उद्देश्य भारत में अव्यवस्थित विरासत स्थल को पर्यटन के लिए अनुकूल बनाना व संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी। ऑप्शन ए 431, या ऑप्शन बी 395, या ऑप्शन सी 402, या ऑप्शन डी 448। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, 448। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां जो कि 25 भागों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए किस भाग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1986 में, या ऑप्शन बी 1991 में, या ऑप्शन सी 1981 में, या ऑप्शन डी 1978 में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, 1986 में। इसकी व्याख्या देते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण व देश स्वतंत्रता की संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, अनुच्छेद 21 में है, इसमें नागरिकों को प्राण देश स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसकी व्याख्या देखते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों को प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तरल अस्थियां तथा मांग एवं आव्यक्त देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए सांविधिक चल निधि अनुपात, या ऑप्शन बी नगदी कर्ज अनुपात, या ऑप्शन आरक्षित नगदी निधि अनुपात, या ऑप्शन डी अस्थि देयता अनुपात। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, सांविधिक चल निधि अनुपात। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, सांविधिक चल निधि अनुपात नेट टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का एक अनुपात है। इसके अंतर्गत सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियां या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूति और ब्रांड के रूप में बनाए रखा जाना अनिवार्य है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए सांविधिक चल निधि अनुपात प्रतिशत बढ़ाकर देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है। ऑप्शन ए वित्तीय समावेशन विभाग, या ऑप्शन बी लेखा संबंधी मामलों का विभाग, या ऑप्शन सी आर्थिक मामलों का विभाग, या ऑप्शन डी डाक विभाग। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, डाक विभाग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भुगतान बैंकों का संचालन भारत का डाक विभाग करता है। भारतीय डाक विभाग बैंक भारतीय डाक भुगतान बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, या ऑप्शन बी प्रिंटर, या ऑप्शन सी माउस, या ऑप्शन डी जावा। इसका आपको राइट आंसर बता दें, यह जावा है, जो कि इसमें हार्डवेयर नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक सेट है जो कि एक साथ मिलकर एक सिस्टम प्रदान करती है, जो एक सॉफ्टवेयर को विकसित करने को और क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्यूनिटिंग वातावरण में तैनात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डेटाबेस प्रोग्राम, या ऑप्शन बी स्प्रेडशीट्स,
या ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसर या ऑप्शन डी कंपाइलर। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, कंपाइलर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम बतलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे असेंबली, कंपाइलर, डिसवर्ग्ड सिस्टम, यूटिलिटी इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1977 में, या ऑप्शन बी 1985 में, या ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन डी 1950 में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विनियम करता है। जनवरी 1995 में अधिकारिता के रूप में मराकेश समझौते के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1948, या ऑप्शन बी 1955, या ऑप्शन सी 1962, या ऑप्शन डी 1965। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार का शासी निकाय है। इसका संगठन 1948 में देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों को देखरेख करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन यूएसए में, या ऑप्शन बी लंदन यूके में, या ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी नई दिल्ली भारत में। इसका आपको राइट आंसर बता दिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्यापार विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।